आज सब किसी गांव में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी जिले में जाओ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये आपको भी सुनने को मिलती है। चले, मैं इंस्पेक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि इंस्पेक्टर से बात हो गए। अब आप कर जाइएगा। पहले बटवा देना, पहले ये बटवा देना जी, बटवा किसी को प्रेस लिस्ट के साथ बटवा नहीं। हाँ जी, ये है, ये तो बटवाना है, ये अभी बटवाना है, ये प्रेस लिस्ट के साथ हो गया। अच्छा, ये आपको देते हैं अभी। अब मैं आप लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ, चाहूंगा कि आप कई बार वही तरीके से सबसे विषय से संदर्भित ही प्रश्न पूछेगा। हमारे साथ ही अवनीश जी आपको माइक देते हैं। कमला जी, ये जो आपने आज आरोप पत्र जारी किया है, आपकी कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में जारी किया था, तो ये आरोप पत्र 2 है या आरोप पत्र 1 है? ये आरोप पत्र 1-2 नहीं है, उसको हमने थोड़ा डिफाइन किया है, इलेबोरेट किया है, वो संक्षेप में था, इसको हमने और डिटेल में किया है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने घोटाला सरकार कहा, आप घोटाले के आरोप लगा रहे, आप कह रहे ठग रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो बल्लभ भवन जलालों का अड्डा बन गया था, वहां पर गोली लगती थी, तो ये जो आपके द्वारा और उनके द्वारा जो आरोप लग रहे हैं, इससे मध्यप्रदेश के मतदाताओं का, मध्यप्रदेश के नागरिकों की छवि और मध्यप्रदेश के इन्वेस्टमेंट आने में ये सही हो रहा या गलत हो रहा? 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है, सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट, 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था, रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है, ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की, छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है, तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई, आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करते हैं आप पिछले 4 महीनों में। ये सब ई टेंडर हुए, इतने सारे घोटाले जो इनके समय के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं था। तो बहुत सारे घोटाले इनके 15 साल के उजागर नहीं हुए, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं उस रोड पर नहीं चल रहा था। मेरा लक्ष्य था मेरे मुख्यमंत्री काल में कि कैसे प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, हम किसानों के हित का क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। सर, 2018 के पहले आपके वचन पत्र में जांच आयोग के गठन की बात कही गई थी कि जो तमाम घोटाले हैं एक साल के अंदर उनकी जांच कराई जाएगी, जो आरोपी होंगे उनको जेल के अंदर डाला जाएगा, लेकिन 15 महीने की सरकार में किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तमाम घोटाले हुए, चाहे व्यापम हो, हनी ट्रैप हो, भूषण आहार हो, लेकिन ये सही कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सही है, 15 महीने थे मेरे पास, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, याद रखिएगा, 11.5 महीने थे मेरे पास। और
मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी। मैं जानता था जब ये सौदा शुरू हुआ, दो तीन महीने पहले मैं जानता था। विधायक आते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता। मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा लो पैसा, मौज करो,